तो उसके बाद मैं इसमें एक तरफ दूध चढ़ा दी, उसके बाद मैं चाय चढ़ा दी हूँ, तो दोनों एक साथ हो जाएगा। उसके बाद हम डिनर का तैयारी कर लेंगे। तो इधर आटा भी निकाल के रखे हैं, आटा गूंद लेंगे। तो इधर आटा भी गूंद रहे हैं, तो इधर मेरा आटा भी हम गूंद लिए हैं और रख देते साइड पे। इधर दूध गर्म हो गया, इधर चाय भी हो गया, तो इधर हम चाय ले लिए हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद डिनर तैयार करेंगे। तो इधर हम फ्राई पैन चढ़ाए हैं, सोच रहे हैं सेवई भी बना ले, तो मैं इसके लिए सेवई ली हूँ। तो ये सेवई अच्छा लगता है खाने में, तो एक सेवई ले ली हूँ, तो सेवई बना लेती हूँ। तो सेवई दे दी, इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, ये घी अमूल का है तो बहुत अच्छा लगता है। ये घी हम डाल दिए इसमें बीच में, इसे फ्राई कर लेंगे। काफ़ी लोग ये सेवई बनाना खाना काफ़ी पसंद करते हैं, ये पूरा इजी होता है और टेस्टी लगता है। बहुत ही पुराना ब्रांड का ये सेवई है, पहले मैं छोटी छोटी थी तो इसी टाइप में लंबा लंबा सेवई का पैकेट आता था, तो उसी का छोटा सा छोटा छोटा इससे बन गया, लेकिन है वही टेस्ट पुराना ही। तो ये फ्राई हो गया है, हल्का शक्कर फ्राई कर लिए हैं, बहुत अच्छा घी का महक आ रहा है। तो हम सिंपल सा बनाते हैं, ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डालते हैं, ड्राई फ्रूट हम लोग को पसंद नहीं है अपना ऊपर से, तो इसीलिए हम सिंपल से बनाते हैं। तो इसमें हम दूध डाल दिए हैं, कितना अच्छा है। तो दूध का छाली जो था वो भी डाल दिए इसमें, तो अच्छा लग रहा है ये। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाल रहे हैं, इसी तरह चीनी डाल के उतार देंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये देखिए खोल रहा है, तो इसमें चीनी डाल के उतार देंगे। तो चीनी डाल देते हैं, चीनी डाल दिए हैं। अब इसको हम देखिए कितना सुंदर बना है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये जिनको अच्छा लगा हो प्लीज़ ये अभी लिख दे कमेंट में। तो रात का जो डिनर तैयार जो करते हैं हम, वो सिंपल ही रहता है, कभी कभी रिच भी होता है और कभी कभी डिनर हल्का भी रहता है। तो एकदम सिंपल सा ही डिनर करेंगे। तो आटा गूंथ कर रख दिए हैं, इधर सेवई भी बना लिए हैं। तो ये तैयार हो गया सेवई, तो भी रख देते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो फ्रिज खोल कर देखते हैं, सब्जी में है गोभी वगैरह भी है, मटर छीमी वगैरह सब्जी है। तो हम सोचे बैंगन आलू का सब्जी बनाते हैं, तो बैंगन आलू सब्जी बनाएंगे। तो इसके लिए हम आलू और बैंगन और टमाटर धनिया पत्ता मूली, आज एक मूली भी डाल देंगे इसमें, तो अच्छा लगेगा, वो टेस्टी लगता है रोटी के साथ खाने में। तो चलिए हम सब्जी भी कट कर लेते हैं। तो सब्जी कट करके धोकर हम रख दिए हैं, तो फटाफट बना लेते हैं आलू बैंगन और मूली टमाटर देकर सब्जी सिंपल सा। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया, उसके बाद जीरा सॉरी पचफोरन और सूखी मिर्ची और हींग थोड़ा सा डालकर सब गर्म होने दिए। अब सब्जी दे देते हैं इसमें सारा। इसको तेज आंच में पकाएंगे हम। जो होता है वो ले लिए हैं, हल्दी लाल मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर कश्मीरी रेड चिली पाउडर गोलकी पाउडर नमक और जीरा पाउडर। तो ये बेसिक मसाले जाएगा और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ये आलू का बैंगन का सब्जी बहुत टेस्टी लगता है खाने में भाई। तो ये रोटी के साथ तो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, और ये मैं मेरे हस्बैंड मेरे बेटा ये सब्जी बहुत पसंद करते हैं खाने के लिए। तो हम बीच बीच में यही डिनर में बना देते हैं, या तो ब्रेकफास्ट में बना देते हैं। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा हम बैंगन आलू का सब्जी बनाते हैं, और पहले नहीं खाते थे मेरे हस्बैंड, अभी तो सारा सब्जी खाने के लिए वो सीख गए हैं, खाने टेस्ट लगते हैं खाने में समझ रहे हैं, तो खाते हैं ये। पहले तो सब्जी बोल के कुछ खाते ही नहीं थे, अभी तो कुछ सब्जी वगैरह सब पसंद करते हैं, लाते भी हैं, बोलते भी बनाने के लिए।
इसी तरह बस इसी तरह हम लोग अपना कुछ कुछ बना लेते हैं डिनर में हल्का फल्का वही खा लेते हैं। सब्जी को बहुत अच्छे से फ्राई करने से ना सब्जी बहुत अच्छा से टेस्ट आता है। और ये जल्दी बाजी में अपनी जल्दी जल्दी कीजिएगा ना, झटपट तो उतना टेस्टी भी नहीं खाना बनता है, और थोड़ा सा धैर्य रख कर भी खाना को बनाने से टेस्टी बनता है खाना। खाना का एक नाम है ना, करो बढ़िया से तभी सबको अच्छा लगेगा। तो मन से ही खाना बनाते हैं, जो ही बनाते हैं भाई मन से बनाते हैं। सिंपल खाना हो या रिच खाना हो या कोई भारी खाना हो तो मैं मन से ही बनाती हूँ। तो तेज आंच में हम फ्राई कर रहे हैं, अब जो बेसिक मसाला वो सारा हम दे दे रहे हैं। तेज आंच में फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसे पानी डाल के हम इस तरह रोटी बना लेंगे गैस पे, फटाफट हो जाएगा। कितना अच्छा कलर आया है सब्जी में, एकदम थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं। इसे पानी डाल दिए, इसको ढक देते हैं। तो इधर तवा भी चढ़ा दें, इधर सब्जी भी हो रहा है, तो तब तक हम रोटी बना लेते हैं। तो इधर रोटी बनाना स्टार्ट भी कर दिए हैं। यहाँ पे मेरा रोटी बन चुका है, यहाँ पे हम रोटी बना लिए हैं, मेरा कंप्लीट हो गया रोटी। अब सब्जी देख, सब्जी भी तैयार है। इधर हम दे देते हैं हरा धनिया, ये रहा हरा धनिया, वो डाल देते हैं। वाह ये अच्छा सब्जी बनी है, गर्मा गर्म ठंडे के मौसम में अच्छा लगता है ये सब्जी या रोटी। हम गैस ऑफ कर दिए हैं, ये सब्जी भी तैयार हो गया और इसको हम कट करके रख देते हैं। तो ये सब्जी रेडी, इधर सेवई रेडी है और इधर मीठा भी है। तो आज का सिंपल सा डिनर थाली मेरा तैयार हो गया, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा जरूर से, तो मुझे कमेंट करके बताओ प्लीज़। तो आज का सिंपल सा डिनर का थाली है ये, तो मैं झटपट डिनर तैयार कर ली और बहुत ही टेस्टी सब्जी भी बना है। और ये सेवई भी बहुत लाजवाब बना है भाई, ऐसे घी का महक जो आ रहा है ना बहुत अच्छा आ रहा है। तो ठीक है, तो हम और कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, डिनर तक तैयार हो गया है भाई, इन्हें खाना हुआ आ जाए। मजाक कर रहे हैं आप लोग से, आप लोग तो दूर रहते हो मेरे सारे फ्रेंड, तो फिर आप लोग दूर से ही देखें मेरे रेसिपी को, जिन्हें खाने का मन हुआ भी सकते हो। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टाटा बाय। मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीति गांगुली मधुपुर यूट्यूब में जाकर